क्लास से ये टॉपिक लिखते आ रहे हैं, लेकिन हम टीचर्स क्या देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे बच्चे करते हैं इसमें फॉर्मेट में करते हैं, तो वो फॉर्मेट जो आप लोगों को आज क्लियर किया जाएगा। एक साइड डिजाइन होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उसको फॉलो करते हुए आप लोगों को क्या करना है, लेटर राइट करना है। अब आप हम इस लेटर को डिस्कस करेंगे, इस सैंपल को हम डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में कौन से ऐसे टाइप से लेटर जो पूछे जाते हैं। बेटे फॉर्मल और इनफॉर्मल जो आपके लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल्स जो आप यदि स्कूल बाहर रहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। अब आपके ये जो टाइप्स है, यानी कि बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, या फिर लेटर्स टू द एडिटर है, या फिर लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके एग्जाम्स का पार्ट है। अब बिजनेस लेटर होता क्या है मैम, यानी कि जहां पर आपका मनी इन्वॉल्व होता है वहां आपका क्या होता है, बिजनेस लेटर होता है। सपोज आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन क्या करना है, देनी है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है क्या करते हैं, बिजनेस लेटर के अंदर लिखते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने हैं, कैंसिल करना है ऑर्डर को, तो भी आपका क्या होता है, बिजनेस लेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई आइटम या प्रोडक्ट चाहिए, सपोज आपने जो है बुक्स के लिए ऑर्डर करना है, प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर करना है, स्टेशनरी के लिए ऑर्डर करना है, या फिर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। तो वहां आपको यू हैव टू पे मनी देयर फॉर दैट, तो आप जो पैसा आपका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, देन इट बिकम्स योर बिजनेस लेटर। नेक्स्ट इज योर ऑफिशियल लेटर। इन दोनों का डिफरेंस यही है बेटा, आप कंप्लेन तो आपकी उसमें भी, कंप्लेन आपकी ऑफिशियल लेटर में भी है, लेकिन ऑफिशियल लेटर इज ऑलवेज रिटन टू अ पर्टिकुलर ऑफिस। यहाँ आपको ऑफिस क्या करते हैं, आप अपने लेटर को किसी ऑफिस में के लिए ही लिखते हैं। सपोज आप लोगों की जो है किसी तरीके की आपके एरिया में, आपके टाउन में, आपके सिटी में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सपोज आप देखते हैं कि थेफ्ट केसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या कहाँ उस एरिया के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को जो है आप लेटर लिखते हैं, ठीक है। आपको इनसैनिटरी की प्रॉब्लम्स आ रही है, इनसैनिटरी कंडीशन जो है आपके एरिया में हो गई है, रोड से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो जिस तरीके की ऐसे जो प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आप उनको एड्रेस करने के लिए क्या करते हैं, आप किसी ऑफिस, यानी कि जो उस एरिया से रिलेटेड ऑफिस है, आप वहां लेटर लिखते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कि इफ योर प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड, आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्या नहीं की जा रही है, एड्रेस नहीं की जा रही, देन यू राइट लेटर टू द एडिटर। फिर आप एक लेटर जो लिखते हैं एडिटर को लिखते हैं, सपोज आपकी क्या जो है क्या है इनसैनिटरी की ही सपोज आपकी कंडीशन है, तो वो ऑफिशियल ऑफिसर्स ने क्या नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, ताकि वो जो है और ज्यादा बड़े लेवल पे जाए, ताकि ऑफिसर्स को जो है वो नींद से क्या करें जाके, तो आप कहाँ लिखते हैं, एडिटर्स को लिखते हैं, जो पेपर में छपती है तो सभी भागते हैं उसको आपको करने के लिए, राइट। तो आपके वो क्या होते हैं बेटा, लेटर्स टू एडिटर्स, जैसे आप लिखते हैं मिनट्स ऑफ स्प्रे एनिमल्स, जो आवारा आपके जानवर होते हैं तो वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, उससे रिलेटेड जो है आप क्या करते हैं लेटर लिखते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड जो है, ताकि आप एक अवेयरनेस जो हो, एक लास्ट सेक्शन ऑफ पीपल जो है, लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें आप अवेयरनेस डालना चाहते हैं, तो भी आप लेटर्स जो उसको लिखते हैं, एडिटर्स को लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट है बेटा लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। लेटर ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ये आप लोग बहुत बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, देन यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। आपको जो है क्या चाहते हैं, आप अपनी फी जो है वो कंसेशन चाहिए फी में, देन यू हैव टू राइट लेटर, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस। देखिए ऑफिशियल लेटर तो ये भी है, लेकिन ये बेटा आपका एप्लीकेशन फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी हम्बल रिक्वेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। तो बेटा सेक्शन चेंज कराना है आपने, रिमिट फाइन है आपका, ठीक है, कैरेक्टर स्केच सॉरी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको स्कूल से को यानी कि जो ऑफिस को आप प्रिंसिपल को जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फोकस नियर अ लॉ। यहाँ आप लोगों के लिए फॉर्मेट जो है 8 points है, एज ए स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप ऑल द 8 points ऑन योर टिप्स। सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या करते हैं, टिप्स पे रखते हैं, आप सिंगल पॉइंट भी यहाँ पर अवॉइड नहीं करेंगे। फर्स्ट इज योर सेंडर्स एड्रेस, जो आपके स्टेटमेंट में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको लेटर से रिलेटेड, तो आपका क्या लिखा हुआ होता है, यू आर, आप ये हैं, मीन्स वो आप हैं, आपके सेंडर जो आप सेंड करने वाले उस लेटर को, तो वो एड्रेस जो है आप क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप
टॉप पे अपनी कॉपी के बैठे कहां लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल टॉप में आप उसको ध्यान देंगे जिससे किसी आगे कॉलम्स लिख देंगे राइट। फिर आपका जो है और लिखना कैसे है बेटे लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है बिल्कुल प्रॉपर लेफ्ट अलाइनमेंट में एक दूसरे के क्या करते हैं यहाँ से करते हैं बेटे देखो दैट्स सो। अब आपका जो है ये भी एक लेटर जो है ये एक लेटर स्ट्राइक जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट का इसी को क्या किया जाता है फॉलो किया जाता है और इसी का कन्वीनियंट है और देखने में भी जो है ये क्या लगता है सूदिंग लगता है इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। अब आपका सेकंड पॉइंट जो है वो आता है बेटे डेट जिस तरीके से यहाँ आपकी डेट लिखी हुई है यू विल पुट कॉलन एंड देन यू विल राइट योर डेट और आपने जैसे कि आज 30 जून है फिर आप यू विल पुट कॉमा डिपेंड्स ऑन योर चॉइस इफ यू वांट टू प्लेस यू कैन इफ यू वांट टू अभी डेट यू कैन तो यहाँ पे आपका ये आया है। नेक्स्ट जो है बेटे यू विल लीव अ लाइन हियर यू लाइव अ लाइन हियर एंड देन अगेन यू विल लीव अ लाइन हियर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने रिसीवर का एड्रेस लिखना है थर्ड जो पॉइंट का रिसीवर कौन है उस लेटर को रिसीव करने वाला तो जिस तरीके से हमारे स्टेटमेंट में गिवन होता है कि क्या करेंगे आप टू कि उस पर्सन के को आपने क्या करना है लेटर लिखना है तो आपका बेटा थर्ड पॉइंट बनता है रिसीवर का एड्रेस। फोर्थ पॉइंट आपका बनता है सब्जेक्ट यानी कि ऑन विच टॉपिक यू आर राइटिंग योर लेटर। उससे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है डेट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद दैट पर्सन और दैट ऑफिस। अब क्या होता है कि आपके कोई नॉन है तो आप क्या करते हैं डियर सर ठीक है डियर मैडम कर देते हैं। यदि नॉन नहीं है तो आप सिंपली लिखिए सर या मैडम। लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं तो आपने क्या लिखना है बेटा रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है टॉप पार्ट आता है सिक्स होता है बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि यू हैव टू गिव देयर डिटेल्स अबाउट योर सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं आपने उसकी कंप्लीट डिटेल्स होगा वो वहां पे बॉडी के अंदर डालनी है। और सेवन पॉइंट आपका होता है सब्सक्रिप्शन या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज यानी कि जब अपने लेटर को जब वाइंडअप कर रहे होते हैं तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज देना होता है और उसमें क्या लिखते हैं आप योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली। आपका यदि नॉन है आप ऊपर डियर सर डियर मैडम लिख रहे हैं तो ऑब्वियस आप नीचे योर सिंसियरली लिखेंगे। अब बस जिसको आप लिख रहे हैं यदि वो अनोन है बेटे तो हम योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली जो है वो कंसिडर करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन है आपकी देन यू विल राइट योर्स ऑब्लिगेटली। और लास्ट जो है आपका एट जो पॉइंट है डेट इज सिग्नेचर इट इज क्वाइट मस्ट ये यू वॉन्ट फॉरगेट इट भूलना नहीं है आप सिग्नेचर डालेंगे। हियर आर योर ऑल एट पॉइंट्स सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस सब्जेक्ट then salutation, body, subscription or complimentary clause and then your signature. Now we will discuss the letter. आप हम एक letter को discuss करेंगे। ये letter आपका given था March 2020 में। Letter is like, write an application to the regional banks. आपको एक letter लिखना है regional manager को। और State Bank of India, वो State Bank of India के regional manager था of your city, आपके city के and asking for a loan for further studies. आपने क्या करना है लोन के लिए पूछना है फर्दर स्टडीज के लिए लोन चाहिए आपको एंड देन यू आर राइटिंग लेटर टू अ रीजनल मैनेजर। आप एक रीजनल मैनेजर को लिख रहे हैं तो बेटे एज वी टोल्ड यू अर्लियर यू हैव टू राइट इनिशियली सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपने अपना एड्रेस जो है यहाँ पे लिखना है यहाँ पे एड्रेस नहीं गिवन है इफ इट इज गिवन देन यू विल राइट द सेम यदि दिया हुआ होता है तो आप उसी को लिखेंगे इफ इट इज नॉट गिवन देन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस हाउ यू आर फ्रेम्ड आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे वो आपकी चॉइस सीनियर कभी सेक्टर 15 सॉरी पर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे तो नाउ यू कैन राइट योर ऑन नेम यू कैन राइट वेयर एवर यू लिव यू लिव जहां पे आप रहते हैं वहां आप वो एड्रेस जो है आप लिख सकते हैं आपको उस फाइल में नहीं आ रहा है तो इट इज क्वाइट सिंपल। देन गाइस यू विल लीव अ लाइन बिफोर राइटिंग डेट बिफोर राइटिंग डेट डेट लिखने से पहले आप क्या करेंगे एक लाइन छोड़ेंगे इट इज मस्ट आई टोल्ड यू हाउ टू राइट डेट। अब उसके बाद अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट एड्रेस ऑफ द रिसीवर उसको रिसीव करने वाला जो है उसका एड्रेस जो आप डालेंगे वो आपके यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है यू विल फॉलो दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज हियर सो द रीजनल मैनेजर इज गिवन यू विल प्लेस हियर एज इज द रीजनल मैनेजर एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन सॉरी पर बेटे अगेन लीव अ लाइन एक और लाइन आप यहाँ छोड़िए देन राइट रिस्पेक्टेड सर बिकॉज इट्स एन एप्लीकेशन फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू स्टार्ट योर कोडिंग। तो हमने कितनी लाइन छोड़ी 1 2 3 4 नाउ वी आर हियर ऑन आवर कोडिंग। अब हम क्या करेंगे बॉडी को डिस्कस करेंगे मोस्ट हम्बली बहुत ही
कि कुछ बैंक जो है टाइम टू टाइम अपनी स्कीम निकालते हैं स्टडी लोन से रिलेटेड, तो आप कुछ एडवर्टाइज भी करते हैं वो किसी मैगजीन वगैरह या कि न्यूज पेपर में आता है, तो आपने वहां से स्टडी किया तो आप ना इस बैंक के पास आप अप्रोच कर रहे हैं स्टेट बैंक को ऑफ इंडिया के पास इसके लिए स्टडी लोन के लिए, तो आप उसको मेंशन कर रहे हैं आपके लेटर में। नेक्स्ट लाइन था आपकी आफ्टर पासिंग 12th क्लास, बेटे लोन कब चाहिए होता, स्कूलिंग करने के बाद जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको लोन चाहिए होता है आफ्टर 12th पास की। आईआईटी जेई मेंस, फिर आपको पता है जेई आपकी इंजीनियरिंग की जॉब क्या होती है, आप उसमें अपीयर हुए एंड हैव वर्क थ्रू इट, आपने उसको वर्क थ्रू किया यानी उसको क्वालिफाई किया, सिक्योरिंग वेरी गुड रैंक और एक बहुत अच्छा रैंक जो आपने क्या किया सिक्योर किया। एंड नाउ आई वांट टू जॉइन सम रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक यस एक इंजीनियरिंग कॉलेज को आपको ज्वाइन करना है और रेप्यूटेड को फर्दर स्टडीज के लिए, तो यू आर इन नीड ऑफ लॉ, तो आप लॉ की आपको जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि बट माई फादर आपको मनी की जरूरत है पैसे की, तो होता क्या है बेटे कि माई फादर बीइंग अ पुअर फार्मर, मेरे फादर जो है बहुत ही पुअर फार्मर है, ही इज अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द कॉलेज, तो आपके फादर जो है वो बियर नहीं कर सकते यानी कि वो उसका खर्चा जो है नहीं उठा सकते, इतनी महंगी कॉलेज की फीस होती है, उसके अलावा और भी काफी सारे खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जब हम डालेंगे बेटे तो आप यहाँ खत्म होने के बाद आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू करेंगे, नो पैस, आप इसको बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करेंगे। नेक्स्ट है हैज आई रिक्वेस्ट टू एंड माय स्टडी लॉन व्हिच आई विल रिटर्न आफ्टर गेटिंग माय जॉब, आप यहाँ पे क्या अपना प्रॉमिस जो हमको दिखाते हैं, क्या कहते हैं कि आप एससीसीआई रिक्वेस्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे स्टडी लॉन जो हमको ग्रांट कर दें, आप मुझे वो दे दें और जो कि मैं आपकी जॉब लगने के बाद जो आपको रिटर्न कर दूंगा। अब बेटे आई एम एनक्लोजिंग योर ऑल द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आप एनक्लोज करते हैं जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की या फिर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है क्या करते हैं एनक्लोज करके भेजते हैं। आई होप यू विल शो काइंडनेस व्हाइल कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन। लास्ट में थोड़ी एक अपीलिंग लाइन भी लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। लास्ट में आपका 7 पॉइंट है कि यू आप यहाँ लिखेंगे 7 पॉइंट जो है योर स्किल यहाँ आप फोकस करेंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या है डॉट्स की बात जो है दे प्लेस एपिस्कोपियस, बेटे एपिस्कोपियस नहीं डालना है, आपने डायरेक्ट डॉट्स लिखना है और फेसबुक लिखे पूरे लिखे या फिर आप सिंसियरली लिखे ऑर्गेनिकली लिखे, यहाँ आपका ये लेटर पॉसिबल हो स्मॉल होना चाहिए योर स्क्रिप्टली देन अगेन यू हैव टू राइट योर सिग्नेचर भी है जिस तरीके से कभी का आप कॉपी कभी भी आपने क्या किया प्लेस। ये आपके 8 पॉइंट से विच यू हाउ टू कीप ऑन योर टिप्स, तो आपने अपने टिप्स पे रखने हैं गाइस, ये उम्मीद करती हूँ कि ये आप